हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्रिसमस की फेमस रेसिपी कलकल बनाने जा रही हूँ, जो खाने में शक्करपारी की तरह बनती हैं। बिना अंडे के ही आज कलकल को बनाऊंगी। तो नए व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए क्रिसमस की फेमस रेसिपी को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में करीबन 1/4 कप सूजी को लेनी है हमें। 2 टीस्पून के करीब घी को डालें। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से घी को सूजी के साथ मिक्स कर लें ताकि सूजी में अच्छी तरह से घी समा जाए। करीबन 5 मिनट के लिए ढककर एक तरफ रख दें। 5 मिनट बाद ढक्कन को खोल दें। अब 1.5 कप मैदा लें। 50 ग्राम के करीब पिसी हुई शक्कर डालें। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सूजी, घी और पिसी हुई चीनी के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। करीबन 1/4 कप नारियल का दूध डालें। नारियल का दूध एक अच्छी टेक्सचर देगी जो मुंह में घुल जाएगी। अब आटे को हमें गूंद लेनी है। अगर नारियल का दूध और चाहिए तो थोड़े थोड़े करके डाल दें, पानी का यूज ना करें। बस अब एक नरम डो बना लेनी है हमें। ये देखिए, बहुत ही नरम डो बनकर रेडी है। अब छोटी छोटी लोई बना लें। ये देखिए, इसी तरह से निकाल लें। एक छोटे से डो को हाथों में लें, एकदम नरम। देखिए, इसी तरह से नरम बॉल बना लेनी है हमें, लेकिन एक साइज की बॉल होनी चाहिए। एक छोटे से लोई को हाथों में लें। ये देखिए, इसी तरह से एक स्मूथ बॉल बनानी है हमें। तो ये देखिए, सारे बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब कलकल की शेप को देने के लिए हमें एक फॉक लेनी है। फॉक के ऊपर ये देखिए, जिसमें काटा है इसमें एक छोटे से बॉल को प्रेस कर अब धीरे से मोड़ दें। ये देखिए, एक साइड से मोड़ दें ताकि अच्छी शेप आ जाए। बस इसी तरह से लोई को लें, प्रेस करें और रोल करें। काटे की शेप रोल पे बहुत ही सुंदर से आ गई है, ये देखिए। या फिर एक नई धुली हुई कंघी लें। कंघी के ऊपर जहां दांत बनी हुई है, एक बॉल को लें और प्रेस करें, धीरे से रोल करें। ये देखिए, कंघी की डिजाइन रोल पे आ गई है। ये देखें, बस इसी तरह से सारे कलकल को शेप दे देनी है हमें। कलकल अब तलने के लिए रेडी है। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी है। देखिए, एक कढ़ाई लें, डीप फ्राई के लिए तेल गरम करें। तेल के गरम होने पर आंच को धीमी कर दें। अब कढ़ाई में जितनी हो सके सारे कलकल को हमें थोड़ी थोड़ी कर तल लेनी है। आंच को लो रखें। करीबन 1 मिनट बाद चम्मच से हिला लें। आंच को धीमी ही रखें। कलकल तो गोवा, मैंगलोर और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में बनाई जाती है क्रिसमस के टाइम पर। दिसंबर के 1-2 तारीख से ही सभी क्रिसमस के उत्सव को मनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लगभग ये हो चुकी हैं। देखिए, थोड़े ठंड होने पर गोल्डन ब्राउन की लगेगी ये। बस अब सारे तले हुए कलकल को निकाल लें झांझरे से। ये देखिए, कितनी क्रिस्पी बनी है। इसका करारापन देखें।
ये देखिए आवाज आ रही है। बस इसी तरह से बाकी बचे कलकल को भी हमें तल लेनी है। आंच को धीमी रख कढ़ाई में तलनी है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से दिखने में गोल्डन ब्राउन कलर की होगी। बस अब ये भी हो चुकी हैं। इनका करारापन सुने, ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। फ्राई किए कलकल को एक साथ एक प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं, अंदर तो शक्कर है ही जो खाने में मिठास देगी, लेकिन और मीठापन के लिए पाउडर शुगर ऊपर से छिड़क दें। गर्म रहते ही हमें पाउडर शुगर ऐड करनी है। अब एक सर्विंग प्लेट में इन्हें सर्व करें। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में डालकर एक महीने तक रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये देखिए। एक को तोड़कर दिखाती हूँ आपको, बड़ी ही क्रिस्पी बनी है, खाने में मिठास लाएगी। आप भी इसी क्रिसमस कलकल को बनाएं और सभी को खिलाएं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सिंपल और नई रेसिपी लेकर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।